अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? साथ पूछ गए तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मुनाफिक नहीं देख रहे? अच्छा, आप लोग आशिक देख रहे हैं, मुनाफिक नहीं देख रहे हैं आज? वेल जी, आई वॉज जस्ट वेटिंग के हज़ार लोग हो जाएं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन. सो यू ऑल आर मोर देन वेलकम. आप लाइव सेशन आज का ये जो है इसका मकसद है जस्ट टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ मुनाफिक. इतनी जो कामयाबी मिली है, इतना जो प्यार मिला है, इतनी जो दुआएं मिली हैं, सो इट हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड. तो आई एम कम्प्लीटली फॉलोइंग द लॉकडाउन, आइसोलेटेड माई सेल्फ. बिल्कुल क्वारंटीन का टाइम है, कहीं पे भी ना आना है ना जाना है. तो मैंने कहा यार, वैसे अगर हम सेलिब्रेट करते तो कोई गिनती के लोग होते, आई मीन 25-30 लोग होते, तो क्यों ना हम हज़ारों लोगों के साथ सेलिब्रेट करें. बिकॉज ये आपका प्रोजेक्ट है जिसे आपने हिट किया है, और हमने तो बस आई मीन तुक्के मारे हैं, और आपने जी इतना ज़बरदस्त फीडबैक दे दिया. सो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया. आई एम हेयर टू थैंक यू ऑल. और अगर आप गौर करें तो पूरे मुनाफिक में हमज़ा की जो लास्ट लाइन है, पहली लाइन क्या थी वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन लास्ट लाइन भी यही थी कि थैंक यू. सो हेयर आई एम जस्ट टू से थैंक यू. मुझे पता है कि बहुत सी अम्मीज, बहुत से अब्बूज, दादीज, दादाज, नानीज, नानाज जो हैं, और बहुत से मेरे यंगस्टर्स, मेरे दोस्त जो हैं, मेरे फॉलोअर्स जो हैं, मेरे फैंस जो हैं, वो यही सोच रहे थे कि आज 7 बजे हम क्या करेंगे. इट्स गोना बी अ वेरी बोरिंग के 7 बजे हम रूटीन में मुनाफिक देखना, तो आज तो नहीं है तो क्या करेंगे. सो दैट्स वाई एकदम कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और बड़े मज़े मज़े के ख्याल आते हैं. तो मैंने सोचा वाई नॉट कि द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर मुनाफिक एंड्स, तो 7 से 8 बजे तक मैं आपके साथ यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको एंटरटेन करने की, और मज़ीद आपसे प्यार और दुआएँ बटोरने की. और एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क रिगार्डिंग मुनाफिक, हमज़ा हाजिर है. तो हम आज ये सेशन जो है ये बेसिकली वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ. अच्छा जी, मेरी अम्मी भी यही सोच रही थी मारिया वही. देखा ना, मुझे पता, आंटी मुझे पता था मैं आप ही के लिए आया हूँ. किधर हैं आप, ज़रा आए ना, हेलो आए करें. आज मैं बहुत सारी वीडियो कॉल्स भी लूँगा, और आज मैं बहुत सारी गपशप लगाऊंगा आपसे, क्योंकि 2 दिन पहले मैं जियो के पेज से आया था, तो वो ज़रा एक प्रोफेशनल चीज़ थी, तो ज़रा लिमिटेड था. ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, और आप सब मेरे पर्सनल, यू गाइज आर लाइक माई फैमिली टू मी. तो फिर आज ज़रा हम पर्सनल खेलेंगे, ठीक है जी. तो आज आपने लाइव कॉल्स, जब मैं आपकी कॉल्स अटेंड करूँगा, आपने मुझे मुनाफिक का OST भी सुनाना है, और आपने मुझे हमज़ा का कोई डायलॉग भी सुनाना है, और मुझसे भी जो फरमाइशें आप करेंगे मैं हाज़िर हूँ. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ. और मेरी अम्मी बहुत अच्छा, आपकी अम्मी का भी बहुत फेवरेट. थैंक यू जी, थैंक यू. एक्चुअली बेसिकली ना, हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है ना ड्रामा बनाते वक्त, जो चैनल्स की भी प्रोडक्शन है उसकी, वो अम्मीज ही होती हैं. तो क्योंकि जिस चीज़ को अम्मी ने कह दिया हिट, वो हिट है, बाकी सब इधर उधर. तो जनाब थैंक यू टू ऑल द अम्मीज एंड ऑल द अबूज, क्योंकि क्वारंटीन में अबूज ने भी बहुत देखा है, एंड ऑल द भाईज, बहन्स, भाभीज, बरीज, ग्रैंड, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू, चाचा चाची, सब 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 बड़े मुझे प्यारे हैं. और यकीन करें, अम्मी को कैरेक्टर अच्छा लगा हमसा कमा. चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अच्छा एक चीज़ और, आपने जो मैसेजेस करने हैं, सारे मैसेजेस सर आंखों पे, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आई नो हाउ इट गोज, लेकिन ये नहीं कहना कि मेरा नाम लें. वो मुझे आप सेपरेटली कभी कह दीजिएगा, मैं मिलूंगा तो मैं आपका नाम लूँगा. अभी हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, और इतने सारे फेसेस बना के भेज दिए. अच्छा, उजाला ने आपसे शादी क्यों नहीं किया आखिर तक, बस ये बता दें. अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है. मैं अपने घर से स्टार्ट करता हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू ने भी कल रात एपिसोड देखा है, तो वो भी ये यानी अम्मी तो समझ गई, अब्बू कह रहे हैं कि इन्हें दोनों की शादी क्यों नहीं हुई. तो काफ़ी लोगों में ये कन्फ्यूजन है. इट्स लाइक 50-50% लॉट ऑफ पीपल दे अंडरस्टूड, एंड सम पीपल दे डिडंट अंडरस्टैंड. तो वो आंखों ही आंखों में जो इंटरेक्शन और जो बातचीत और जो सारी कहानी हमने ट्राई की है, अगर आप नहीं समझ सके तो इसका मतलब हम बड़े माठे एक्टर्स हैं. बट वो यही था कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया,
कि उसकी ज़िंदगी, उसका बच्चा था, उसने वो कहा कि मैं अगर मुझे कबूल, यानी मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहते हो तो मेरे बच्चे को कबूल करना पड़ेगा। और हमज़ा ने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। सो दैट वॉज बेसिकली द पंच लाइन। फिर भी आप जो मेरे जितने फॉलोअर्स हैं जो यहाँ पर इस पर मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और अगर उनके भी जहन में पॉइंट है, तो मैंने अभी, मेरी एक बड़ी चीती फ़ैन है सादिया, उससे मैंने वो एक वीडियो क्लिप, मैंने कहा था मुझे कट करके बना के दो, मुझे आती नहीं ये चीज़ें, तो वो मैं या तो स्टोरी पे लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। बेसिकली इट्स अ हैप्पी एंडिंग, तो वो मॉन्टाज है, वो भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई विल पुट इट ऑन माय स्टोरी, तो अम्मी को भी दिखा देना, अब्बू को भी, क्योंकि मेरे अपने घर में ये कन्फ्यूजन थी, अम्मी गॉरिट के भाई हो गई शादी थे, अब्बू जेड़े सन कह रहे सन के की हुआ है, तो ठीक है ना। तो इस ये हमजा उजाला की इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी एंडिंग, और इट्स गोज लाइक हैप्पीली। टिंग 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 पाक सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं टिंग टिंग टिंग। मेरे घर में तो मैंने बेल भी ऑफ की हुई है, मैं तो बेल भी नहीं, फ़ोन करके कोई बहुत ज़रूरी आना जाना हो तब भी मुश्किल से, मेरी बेगम ने भी नहीं अलाउ किया, तो टिंग 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 ना करें। अच्छा हाँ जी, हमजा ने वादा किया था उजाला से कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें ला कर दूंगा, और वो वादा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। और एक माँ के लिए अपने बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत किसी चीज़ में नहीं होती, तो वही जीत होती है। अगर आप, तो हर इंसान किसी ना किसी माँ का बच्चा है, तो इसलिए सबका ख्याल किया करें, सबका लिहाज किया करें, सबसे प्यार किया करें। ठीक है, मैं अपनी मम्मी के साथ देखा था भाई, वो तो रोने लगी थी, उनके दिल पे लगा ये ड्रामा। ओह सदके जाऊँ यार। हाँ, काफ़ी लोगों का ये फीडबैक मुझे आया है कि भाई रोना आ गया, रोना आ गया। तो रोना बड़ी अच्छी बात है, रोना जिंदा लोगों को आता है। बिलाल स्लेज द बेस्ट एंडिंग, थैंक यू। ये जितने भी मेरे जी फैन पेज हैं, आई लव यू ऑल, एंड आई थैंक यू ऑल फॉर बींग विद मी थ्रू आउट द जर्नी ऑफ मुनाफिक। इन लोगों ने मेरी बहुत सपोर्ट की, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे हर डायलॉग, मेरे हर सीन, मेरी हर बात को इन्होंने पोस्ट बनाकर शेयर भी किया, और VMs बनाई, और बड़े मज़े मज़े के क्लिप्स बनाए। अगर आप मेरी इंस्टा पे जो वो टैग हुई होती है ना, जहाँ पर अब मुझे पता नहीं उसको एग्जैक्ट क्या कहते हैं, वो आप हिट करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने का मिलेगा हमजा के बारे में, एंड आई लव इट। मैं पर्सनली देखता हूँ खुद, उस पर कॉमेंट भी करता हूँ, उसको लाइक भी करता हूँ, और इन्जॉय भी करता हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल द बिलालियंस, ऑल द बिलाल लव, ऑल द बिलाल फैंडम, ऑल द बिलाल फैंस, बिलाल्स पीपल, एंड आई लव यू ऑल। अच्छा जी, एंडिंग बेस्ट ड्रामा, वॉन्ट सीजन टू। यार ये नहीं, पता है जो अच्छी चीज़ है ना, वो एक सीज़न में ही अच्छी लगती है। सीज़न टू कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का हिट नहीं होता, वेरी रेयर, आई मीन बहुत कम ऐसा होता है। तो इसलिए जो अच्छी चीज़ है ना, उसको एंड हो जाना चाहिए, एंड एंडेड वेल मेरे ख्याल से। वो हैप्पी हैप्पी मोन्टाज मैं दिखा दूंगा, मैं हैप्पी मोन्टाज ना अभी स्टोरी पे शेयर कर दूंगा, इट्स फ्यू सेकेंड्स, तो आप स्टोरी पे ही देख सकेंगे उसे, ठीक है ना। कैन यू कम आउट विद मुनाफिक? नहीं यार, नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक सो, इट्स गुड आइडिया, बिकॉज अब आपको नए कैरेक्टर में नया जलवा दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, सीखना सीख जाओ कैसे ऑपरेट करना है सारा कुछ। अच्छा जी, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, लेट्स बिलाल कुरैशी लाइफ लाइन, नेक्स्ट सीरियल, नेक्स्ट सीरियल जी सनस्का एंटरटेनमेंट के साथ भी, जियो पर भी आप देखेंगे, और भी कुछ चीज़ें। अभी जैसे ही क्वारंटीन का टाइम खत्म हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट एक चीज़ मेरी आ रही है वो सरप्राइज़ है, मैं बताऊंगा नहीं, बट इतना बता दूं कि इट्स पर्टिकुलरली फॉर ऑल द लेडीज़, ऑल द लवली लेडीज़ इन द वर्ल्ड, उनके लिए मेरी एक डेडिकेशन है, वो मेरा नेक्स्ट एक, लेट्स सी आप लोगों को कैसा लगता है। तो आई होप एंड आई प्रे कि आपको अच्छा लगे। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकसिंग ऑन द मैसेजेस, and I'll try to answer you all. अच्छा जी, हसनैन कह रहे हैं आप बहुत क्यूट हैं, आप भी बहुत क्यूट हैं जी, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं ज़ाहिर कर। अच्छा, आपने मुझे ये भी बताना है कि हमजा का सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा लगा, ताकि मैंने रात को बेगम से भी पूछा था, क्योंकि मुझे लास्ट वाले सीन से बड़ी एक्साइटमेंट थी, एक्साइटेड था मैं, और मैंने जब देखा तो मैंने बेगम से पूछा कि कैसा लगा आपको, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका एक और सीन था जहाँ वो कहता है कि मेरी आंखों में कभी किसी के लिए आंसू नहीं आए पर तुम्हारे लिए मैं रोता हूँ, तो मेरी बेगम ने उस सीन को कहा कि वो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी हमजा की। तो आपने भी मुझे बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, ठीक है। सिद समी वाई, आपकी एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है, थैंक यू जी।
प्लीज सिंग कुछ इस तरह, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। बड़ा प्यारा इसमें एक वो गेम बनाया था रिया ने, मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता, जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा पता बिल्कुल ना देना, अपने कोल रखना। बेस्ट मुनाफिक लव, थैंक यू जी। हमसे का सबसे अच्छा रोने वाला सीन जब उजाला के आंसू हाथ में लिया। अच्छा अभी तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है, इतने कीमती कि मैंने इन्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। या वो रिएक्शन बड़ा अच्छा था कि जब वो चीखती है और ये बड़ा आलिस वाला, हाँ दैट वाज गुड, अच्छा था। ठीक है, वीडियो कॉल्स में आपने मुझे हमसे के डायलॉग्स बोल के सुनाने हैं आज, ओके, और गाना भी सुनाना है। अच्छा जी, अनाया मलिक लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू जी, लव टू इंडिया। और फिज़ा और अरिशा, आपको पता है मैं पूरी रात, बल्कि अभी तक मैं अपने इंस्टा के जो मैंने पोस्ट फाइनल लगाई थी उसके कमेंट सेक्शन तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि मैं इनबॉक्स से ही नहीं फ्री हो सका। आई ट्राइड कि मैंने इनबॉक्स पे मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करूं, थैंक का इट्स अ जेस्चर ऑफ थैंक। लड़कियों को मैंने दिल वाली स्माइल सेंड की और लड़कों को मैंने सिंपल स्माइल सेंड की, सो दैट्स माई वे ऑफ थैंकिंग टू एवरी वन ऑफ यू। शुक्रिया कहने का अंदाज अंदाज अपना अपना। बड़ी मज़े की फिल्म है ना, मैंने भी देखी है क्वारंटीन में भी, बड़ा मज़े की आएगा वही माँ। अच्छा जी, याकूब खान वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हेलो नूर। अच्छा ज़बरदस्ती, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते करते। सोशल मीडिया पे जो हमारे डिस्टेंस ख़त्म हो गए ना, ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये जब से हम क्वारंटीन में आइसोलेटेड हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमारा कनेक्शन है और ये किस्मत कनेक्शन है। तो लव फ्रॉम इराक जी, थैंक यू सो मच। मुझे माशाल्लाह अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, यूरोप से, बांग्लादेश से, इंडिया से, दुबई से, तुर्की से, बहरीन से, ऑलमोस्ट अराउंड द वर्ल्ड हर मुल्क से बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स, बड़ी अच्छी अच्छी अप्रिसिएशन, बड़ा अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आई एम थैंकफुल टू एवरी वन, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यही हमारा मकसद था कि आप लोग अच्छे। हेलो सर, आई वाज थिंकिंग टू वॉच मुनाफिक, और अब याद आया कि आज तो लगना ही नहीं, आई रियली मिसिंग मुनाफिक स्पेशली यू। दैट्स व्हाई आई एम हियर बड़ी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। आई नो द फीलिंग, वो जो डेली रूटीन में जो एक रूटीन बन जाती है ना, और फिर एकदम से वो अनकॉन्शियसली वी जस्ट डू दैट कि भाई चलो यार जियो लगाओ। तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट। योर एक्सपीरियंस विद फातिमा कैसा रहा? जी इट वॉज गुड। Somehow हमारा कपल जो है ऑन स्क्रीन, इट्स अ लकी कपल। हमने पहले अदिल तो बता किया, अक्सा और अजान हिट हो गए, अब जो है अमजा और उजाला हिट हो गए, सो इट्स काइंड ऑफ अ गुड। बट ऑफ स्क्रीन वी आर जस्ट वेरी नॉर्मल कोलीग्स, और बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट और रिगार्ड का हमारा एक रिलेशन है। अच्छा जी, आपका ड्रामा मुनाफिक लव दिस ड्रामा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका ड्रामा मिस, आप मिस करेंगे? आई एम ऑनेस्टली मैं कल रात से मिस कर रहा हूँ। मेरी अम्मी को आप बहुत पसंद हैं, बहुत शौक से आपका ड्रामा देखा उन्होंने, थैंक यू जी थैंक यू। मैं कल रात से मुझे वो उदासी वाली फीलिंग शुरू हो गई थी। लव फ्रॉम इंडिया इंडिया इंडिया, मदीहा लव टू इंडिया इंडिया इंडिया। जी आप रोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं मुनाफिक में, फलक क्वीन। यार मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे में पता है क्या जो चीज़ क्लिक कर गई, लड़की तो हर ड्रामे में रोती है, यानी हमारे हर ड्रामे में लड़की रो ही रही होती है, और यही उसका एक मेन ट्रैक होता है। जब लड़का रोए ना, तो वो मेरे ख्याल से लोगों के दिल पे ज़्यादा असर करता है। मैंने ये फील किया है पर्सनली कि जहाँ जहाँ हमजा रोया है तो मुझे आया फीडबैक कि लोग रोए हैं, जबकि उजाला क्योंकि थ्रू आउट रो रही है तो वो एक रूटीन में लोगों को लगा, बल्कि पीपल गॉट अनॉयड। तो वो ये भी मैंने एक बात नोट की है इस ड्रामे में कि हमारी ख्वातीन जो ड्रामा देखती हैं वो चाहती हैं कि लड़के रोएं। As you feeling after receiving such outclass response? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। To be very honest, मुझे पता है रात से कैसा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने मैट्रिक के एग्जाम दिए थे और रिजल्ट आ गया। I swear, I'm feeling like that. And to be very honest,
मेरी फीलिंग ये है कि जैसे मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, एवं यानी खाम खा मुझे ऐसा लग रहा है कि जी पप्पू पास हो गया, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, मैं इतना खुश हूँ। बल्कि मेरी वो एक फॉलोअर ही हैं, उन्होंने डॉक्टर, उनका नाम मुझे कम्प्लीट याद नहीं, डॉक्टर उन्होंने बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा यू मस्ट बी फीलिंग लाइक दैट यू हैव अचीव्ड अ बिग स्कोर इन योर एग्जाम्स। सो इट्स ट्रू दैट आई एम फीलिंग लाइक कि मैं जी मैट्रिक का मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं फर्स्ट आ गया हूँ, तो मैंने जी ए प्लस और तीर मार दिया, कोई ऐसा कुछ मुझे। आई सी इन माई ड्रीम आरजू, मस्ट बी अ गुड ड्रीम, और ख्वाब देखने चाहिए क्योंकि ख्वाब ही हकीकत बनते हैं। लव फ्रॉम यू एस ए हफ्सा, थैंक यू। I also cried when I you were crying. That's your love for me, for the character of Hamza. You're the best actor. Furry writers, thank you. A results, हाँ हाँ इरम ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा next drama किस actress के साथ है, कि मैं आपको सारी details बताऊँगा जब quarantine खत्म होगा, हम लोग shoot पर जाएंगे तो मैं बल्कि post ही कर दूँगा, बल्कि किसी दिन live आ जाऊँगा अपने set से, तो you will get to know each and everything ना। अच्छा जी क्या मुझे समझ नहीं आई, सुना दें आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं क्या, मुझे समझ। गिलगित बल्तिस्तान से भी हेलो जी, आपका भी मैसेज सराखों पर। ओ हमजा ताशी कैन, लव फ्रॉम किंसा एंड एमन, लव फ्रॉम ओस्लो, थैंक यू किंसा, ओस्लो में सबको मेरा सलाम प्यार दीजिएगा। अच्छा जिन लोगों से मेरी इंटरेक्शन हो पा रही है ठीक है, लेकिन जिनसे नहीं हो पा रही वो अपने ही कंट्री में, अपने ही कम्यूनिटी में, अपने ही लोगों में, सबको कहिएगा कि हमजा वो सेइंग थैंक यू ऑल for loving and appreciating my work, my efforts, my hard work. So ye main actually today it's the day that I want to return back your love, and the only way I can thank you all. So aap meri taraf se please aap bhi mera thank you pass over kijiyega sabko, theek hai. Love from London, it's hi, it's Salaxy. Achha ji, I'm not very good in reading. अच्छा जी फैसल कुरेशी की वो जो है कह रहे हैं बिग फैन, थैंक यू जी, आप कुरेशियों के फ़ैन हैं आपने। अच्छा अच्छा जी आपकी सिस्टर बहुत बड़ी फ़ैन है मेरी, दुआ आप क्यों नहीं है, ये तो गलत बात है ना, फिर इसका मतलब सिस्टर अच्छी हैं आपकी, आप जो हैं। अक्षय जी मिशन मुनाफिक टू डे, यू आर द बेस्ट एक्टर इन द होल वर्ल्ड, थैंक यू हमजा। अच्छा आपका नाम हमजा इसलिए आपको ज़्यादा मैं अच्छा लगाऊंगा, दुनिया भर में बेस्ट लगाऊंगा, थैंक यू भैया, चाय दे दो। अच्छा सबसे अच्छा सीन वो था जब आप अपनी बहन को निकाल रहे थे, अच्छा तशफीन को बहुत अच्छा लगा, हाँ वो जब अच्छा वो पता है हमने मैंने किया भी उसको इस तरह से कि बहन क्योंकि बहुत लाउडली चीख रही थी कि इस घर में या तो हम रहेंगे या उजाला रहेगी, तो मैंने बड़े प्यार से स्मूथली जिसे कहते हैं ना सिक्सर फुल टॉस पर मारना, मैंने कहा तो ठीक है अभी मैं आपको रोकूंगा, सो वो मैंने बहुत उसको सिंपली किया और साइलेंट। I look like Shah Rukh Khan a lot, you act like him at times. Gee, definitely. I'm a diehard fan of Shah Rukh Khan. I intentionally act like him. मैं पहला एक्टर हूँ इस दुनिया का जो ये मानता है कि मैं किसी और एक्टर की कॉपी करता हूँ, बाकी ये कि सब करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। सो जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं शाहरुख खान की इंटेंशनली एट टाइम्स सबकॉन्शियस में वो होते हैं तो मैं करता हूँ, बिल्कुल दैट्स एब्सोल्युटली राइट, और इसमें कोई बुराई नहीं, नकल के लिए भी अकल चाहिए मेरी अम्मी कहती हैं। और दूसरा ये कि कैसी करता हूँ ये बताओ। अच्छा योर बर्थडे एंड बर्थडे एट सेम डे सेम मंथ, मीरू आपकी बर्थडे और 9 फेब को है, मेरी भी 9 फेब को है, एक्टिंग करना ईजी है मदिया पूछ रही है। देखिए जी इट्स सिंपल, गाड़ी चलाना सीखते हैं आप, उसमें एक बड़े प्रोसेस होते हैं, गियर लगाना है, ब्रेक लगानी है, एक्सीलेटर है, हैंड ब्रेक है, स्टीयरिंग है, होल्ड है, कंट्रोल है, बैक मिरर है, साइड मिरर्स हैं, उसके पूरा एक यू नो प्रोसेस है। शुरू में कितनी मुश्किल लगती है हमें जब तक हमें चलानी नहीं आती हो, द लर्निंग प्रोसेस, हमें लगता है अभी ठुकी अभी गए ये हुआ वो हुआ, तो जब आ जाती है उसके बाद हम अन्यवा चलाते हैं उसको, लाइक वी आर सो गुड एंड कॉन्फिडेंट एंड कंट्रोल्ड एंड कंपोज। तो सेम किसी भी प्रोफेशन में, नॉट जस्ट एक्टिंग, कोई भी है जो ऐसा प्रोफेशन होता है, इट्स सेम इन द लर्निंग प्रोसेस, जब तक आपको आती नहीं है तो बड़ा मुश्किल लगता है, जब आ जाती है तो फिर पीस ऑफ केक। बट या हैव टू डू इट कन्विंसिंगली अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, इट्स अ टफ जॉब, यानी कि अगर मुझे बिलाल प्ले करना है वो तो बायां हाथ का काम है, लेकिन अगर मुझे कोई कैरेक्टर प्ले करना है तो उसके लिए दायां हाथ भी यूज़ करेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वी मिस यू एज हमजा, इमामा आई मिस यू ऑल टू। अच्छा जी जाल हमजा की शादी, आई टोल्ड यू कि ये शादी हो गई है, आपने रुलाने के अलावा कौन सा रोल अच्छा लगा, अपने रोल के अलावा क्या समझ नहीं आई मुझे। अच्छा बांग्लादेश से हेलो अरुहा, अच्छा जी रावलपिंडी से हफ्सा अमजद, हाय
अच्छा, व्हाट्स डिनर टुडे, क्या आपने सवाल किया है। डिनर जी, एक्चुअली मेरी बेगम मेरे लिए बड़ा अच्छा सैंडविच बना के लेकर आई है, क्योंकि मैं अभी उठा हूँ। मैं सोया ही सुबह कोई 1 बजे था और मैं उठा हूँ 6:30 बजे, क्योंकि मुझे लाइव आना था। आप मेरी आंखों से, मेरे नैनों से आपको फील हो रहा होगा कि मैं अभी अभी सोच के उठा हूँ। तो बट आई वॉन्टेड टू बी पंक्चुअल, तो दैट्स वाई आई ट्राई टू कम। अच्छा जी, योर फेवरेट सीन विद उजाला। यार, एवरी सीन वॉज वेरी गुड, पोटेंशियल था। बट आखिरी सीन मुझे बड़ा पसंद आया था। आपको पसंद आया लास्ट क्लाइमेक्स? बड़ा कंपोज, बड़ा यू नो अंडरटोन रहकर मैंने किया था। थैंक यू शेख, लव फ्रॉम इंडिया, लव टू इंडिया। अच्छा, कॉल्स ले लें। चलें, कॉल्स भी लेते हैं, ताकि मैं तो भूल ही गया था, ऑनेस्टली मैं भूल गया था। तो लेट्स सी, हम कॉल लेते हैं। फर्स्ट नहीं, मैं बड़ा, यार ये मुझे ना कंफ्यूजन काम लगता है कि सबसे ऊपर जो उनका कर दें, ऐसे कर लें कुछ, सबसे ऊपर जी ये पी के ऐसे कर लिया करें कुछ, मुझे नहीं समझ आता। द कॉल इज कनेक्टिंग। मेरी आवाज़ ठीक है ना? आई मीन प्रॉपर है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, लास्ट सीन वॉज अमेजिंग, थैंक यू जी। मियाँ वाली से कह रहे हैं आप, सादिया, थैंक यू सादिया। इट्स यू लुक लाइक शाहरुख खान, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट जी। आई लव टू लुक लाइक हिम, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। क्या हाल है आपका सिंगर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अलिफा कह रही हैं, अल्फिजा कह रही हैं, हमजा, अल्फिजा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। यू माइंड इफ आई ईट व्हाइल टॉकिंग? अच्छा, बुरा नहीं मानेंगे। आई थिंक इट विल लुक बैड, है ना, तो लुक बैड। न्यूजीलैंड से मियां सर, थैंक यू असद भाई, अगर आप छोटे हैं तो तेरे पास। हमारे प्रोड्यूसर का नाम भी असद है, असद। कॉल जो है कनेक्टिंग के लिए घूमा जा रहा है राउंड राउंड। बिलाल 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 फुरकान। अच्छा जी, मैं ये कॉल डिस्कीज अ लॉट ऑफ एप्पल्स इन द सीन। यार ये ना छोटे छोटे प्रॉप्स होते हैं दैट यू यूज, तो ये मैं खुद से करता था, मेरी अपनी इनपुट होती थी। क्योंकि अभी मुझे एकदम याद आया कि च्युइंग करते हुए, खाते हुए जब आप बात करते हैं तो आप बड़े रूड लगते हैं। इट्स अ वेरी रूड जेस्चर, दैट्स व्हाई मैंने अभी छोड़ दिया बाइट लेकर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो वो जो ऐसे सेब खाना, च्युइंगम खाना, चबाना और ये वो ना, वो इरीटेट करने के लिए मैं करता था, कि वो इरीटेटिंग लगे कि यार ये कितना इरीटेटिंग है। तो वो इंटेंशन, क्योंकि उसको कोई नेगेटिव होता है ना। ओस्लो से जी, एमन, हाय एमन। So that was my own things. मैंने ये खुद बड़ा add on करता था according to the situation and character. मुझे बड़ा अच्छा लगता है। So an apple a day keeps doctor away. Yeah, that's true, baby. आपने आपके OST गा कर भेजा था, आपने सुना था, आपने भेजा था, sorry, मुझे tag किया करें, वो tag में ना मेरे उसमें आ जाता है। और अगर आपने भेजा है, मैं सुन चुका, मैं नाम नहीं पढ़ सकता, तो मुझे शायद मैं सुन चुका हूँ। हाँ ना, रूट लगता था ना हमसे जब बबल खा रहा होता था, ये दैट वाज द थिंग। अच्छा, आई लव यू, आई लव यू। अच्छा जी, तो कैसा लग रहा है आपको आज का मुनाफिक एपिसोड? हाँ जी, द स्लैप वॉज रियल। वो हुआ ये था कि इट वॉज नॉट रियल, हमने माइम ही किया था जैसे कि एक्टर्स करते हैं, बट मेरी डिमांड थी कि नहीं मुझे रियल चाहिए, क्योंकि मेरे रिएक्शन मुझे लग रहा था कि प्रॉपर आ नहीं रहे। सो मैंने उसकी पोस्ट भी लगाई थी मेकिंग की, आप देख सकते हैं मेरी कॉल पर। तो दैट स्लैप वॉज रियल, मैंने कहा, मेरी फरमाइश थी कि मुझे प्लीज, ठीक है, मतलब इतनी तगड़ी है वो, तो आज लाल ही हो गया मेरा लाल, लेकिन वो इट वॉज माई डिमांड। अच्छा जी, चाय नहीं आई आपकी? तबियत यार, आप लोग कमाल लोग हैं ना, यानी कि अल्फ
अल शिफा खान। यार आप लोग कमाल हो गए, पहले किसी ने कहा डिनर तो वो आ गया है। आप कमाल है, मेरी बेगम कमाल है कि वो जैसे आप जो जिक्र करते हैं कि भगवान निकलती हुई चाय, तो जबरदस्त हो गया काम। आपकी स्माइल बहुत अच्छी, स्माइल सबकी बहुत अच्छी थी मेरे ख्याल से। हंसते मुस्कुराते में सब बहुत अच्छे लगते हैं। आज कुछ माहा लव फ्रॉम जर्मनी, लव टू जर्मनी। स्माइल करते हुए सब बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स रियली नेचुरल। माय सुपरस्टार बिलाल, सना मलकानी, थैंक यू सना। ओके दिस शो हाउ पैशनेट यू आर बिलाल सेज। या आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय वर्क। आई लव योर एक्टिंग, यू माय क्रश लाइबा। लाइबा यू आर माय कैंडी। तो या आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय वर्क। आई बिलीव दैट 99% इज इक्वल टू जीरो, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज पुट माय 100%। 99% इज इक्वल टू जीरो। Feeling very sad, मुनाफिक, मुनाफिक, हाँ ज़ाहिर है मैं खत्म हो गया, तो sad ही होना है, होने और क्या करना। मैं सिर्फ मुनाफिक ड्रामा देखता था और सोचता हूँ कि अब क्या देखूँ। अब आप मुनाफिक ड्रामा दोबारा से देखें शुरू से। पहले अच्छा, लव फ्रॉम स्पेन, कमर, थैंक यू कमर। मोमना, लव फ्रॉम मीरपुर आज़ाद कश्मीर, थैंक यू मोमना। अच्छा, लव फ्रॉम चित्राल, थैंक यू जी। अच्छा जी, आप लोगों को एक और मजे का, बल्कि बड़ा 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 अच्छा, देखिए ना हर चीज़ का सोल्यूशन निकालना है। कुछ हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, हो गया जो होना चाहिए। नाउ व्हाट टू डू। सो जितनी भी अम्मी अबू सब पीपल मिस कर रहे हैं, सरगोदा से जी, अली, थैंक यू सरगोदा जी। तो आप क्या करें, रोजाना 7 बजे ना मुनाफिक शुरू से देखना शुरू करें, पहले एपिसोड से। 60 एपिसोड हैं तो 60 दिन आपके गुजर जाएंगे। 60 दिन से पहले इंशाल्लाह हमारा लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा, क्वारंटीन में, फिर सब बिजी हो जाएंगे अपने रूटीन में। तो अच्छा, पहले आप लोगों ने तो देखा ना एज ए नॉर्मल व्यूअर, एज ए लाइक नॉर्मल सिंपल कि भाई ड्रामा देख रहे हैं। अब आप उसको एक्टिंग वाइज जज करें, सबकी एक्टिंग को जज करें, ऑब्जर्व करें और उस लिहाज से देखें कि किसने कैसी एक्टिंग की है टेक्निकली, और फिर हमें वो भी फीडबैक दें कि हमारी कहाँ का कमी रह गई है, कहाँ कहाँ हमसे अच्छा नहीं हुआ एक्ट, या कहाँ कहाँ हम ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, ताकि यू नो वी गेट चांस टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। सो मैं अपना ड्रामा को देखता हूँ और लाजमी देखता हूँ, मैं अपना हर प्रोजेक्ट देखता हूँ, हर सीन देखता हूँ। एक तो डेफिनेटली या मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरा हक है कि मैं देखूं। दूसरा ये कि मुझे होता है कि अपनी इम्प्रूवमेंट मैंने करनी है, मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मिस्टेक हुए, कहाँ कुछ रह गया। जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं डायरेक्टर्स हैं, उनको पता है कि आई एम वेरी 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 कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स। तो इवन कि मेरे जो बिलाल के मेरे जो फैंस आ रहे हैं, जो मेरे साथ बनाते हैं वीडियोज़ वगैरह, दे इवन नो कि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। आई लव यू टू। अच्छा, यू आर वेरी लवली पर्सन, काइंडली सिंग फ्यू लाइंस ऑफ ओएसटी। ओएसटी का गाना, ओएसटी बाय इटसेल्फ अ गाना, ओरिजिनल साउंड ट्रैक जी, बिल्कुल गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे। क्वेटा से मीर, लव टू क्वेटा। अच्छा वो, अच्छा एक और भी आपको मैं हल बताता हूँ, अगर आप बोर हो रहे होते हैं तो 7:30 बजे सौतेली मामता लगता है, वो देखिए ना, बेगम ने लगा लिया, देख रहे हैं। तो बोर नहीं होते, there is always something special, everything is special, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आपका ड्रामा बहुत अच्छा था, थैंक यू। लास्ट एपिसोड बहुत अच्छे थे मुनाफिक, थैंक यू नाजी। अच्छा आप टिकटॉक अकाउंट है, मेरा बिल्कुल कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ना ही मेरा, ना ही अरुसा का। लव फ्रॉम रावलपिंडी, थैंक यू जी कश्मीरी। तो हमारा कोई ऐसा अकाउंट नहीं, हम जो भी सिर्फ इंस्टा पे और फेसबुक पर हैं, उसके अलावा कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि वो बिलाल है या अरुसा, तो इट्स फेक। अच्छा जी, बलूचिस्तान से माहा, थैंक यू के फर्स्ट एपिसोड से ही देख रहा हूँ, गुड देख रही हूँ जैनब, गुड वेरी गुड। ये वो फिर से एक मतलब होता है ना, लव जर्मनी माहा, थैंक यू। अच्छा मुझे पिया रंग लागा एंड इश्क किया रबा आल्सो अमेजिंग, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा बड़ा ये हो रहा है कि मुनाफिक से मेरा इतना ग्रेट फीडबैक बना है कि लोग मेरे पुराने ड्रामे देखना भी शुरू हो गए, जो पहले शायद इतने नहीं आप लोगों ने नोटिस किए। चलो दैट्स गुड, दे रहा है दुरुस्त है। आप मीरपुर मीरपुर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जब कोई प्यार से बुलाएगा हम जरूर आएंगे। मुनाफिक ने जल्दी एंड क्यों कर दिया, नहीं बड़ा अपने टाइम पर एंड हुआ मुनाफिक, बड़ा सही हो गया। हेयर स्टाइल वॉज गुड, क्रेडिट गोज टू साइमा माई मेकअप आर्टिस्ट, बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उससे वादा किया कि उसकी शादी पर उसके बाल मैं बनाऊंगा। अब अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर उसका एक बाल होगा। अभी शर्ट क्या हुआ, मेरी शर्ट को मैसेज ऊपर चला गया। Nice personality, thank you Shay. Acha, when you coming to India? Yeah, inshallah.
इंडिया भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, हमारे नेबर्स कंट्री है डेफिनेटली। लव फ्रॉम साउथ कोरिया शामीर, थैंक यू। अच्छा हमजा, एक बार मैं यार नाम मैंने आज किस ये पर्सन आई सेंड यू कोड लेट्स प्ले लूडो। नहीं 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 मैं लूडो सिर्फ अपने बेटे और बेगम के साथ, कभी घर में तो अम्मी वगैरह के साथ खेलता हूँ, जो बनी होती है ना। लव योर वॉइस एंड आई थैंक यू। दूसरा वाला भी आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, मेरा बस से तो मैं तो हर जगह पहुँच जाऊँगा। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर कब आएंगे? आज़ाद कश्मीर बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आई लव कश्मीर, मुझे बहुत पसंद है। सबसे बुरा सीन कौन सा लगता है मुनाफिक का, आपका? मेरा मेरा सबसे बुरा सीन, गुड क्वेश्चन, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। सबसे बुरा सीन जिसमें मुझे लगता है कि आई कुड हैव एक्टेड बेटर, यार क्या ये अजीब सा क्वेश्चन, मैंने सोचा नहीं अभी तक, लेकिन था कोई एक सीन, मुझे जैसे याद आएगा मैं शेयर कर दूंगा, कि मैंने कहा यार इसमें मुझे मजा नहीं आया, मुझे इससे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा जी, आई एम फ्रॉम थर। अच्छा थर, थर में भी देखा आपको मैंने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पबजी बिल्कुल नहीं खेलता मैं, सिर्फ सोहान के साथ खेलता हूँ। इतने दिल, वाह, लव यू सो मच एंड से हाय, थैंक यू मीनी मलिक। अच्छा हमजा, एक बार करें मेरी अपनी स्टडी ब्रेक ली, स्टडी यू गेव यू 100% इन एवरी सीन या ब्लॉग्स लेस बिकॉज आई डोंट बिलीव इन 99%। यू लाइक माय हेयर स्टाइल? मुझे तो मेरे बाल नहीं पसंद ऑनेस्टली, मुझे सुहान के बाल पसंद है, बड़े ज़बरदस्त हैं मेरे, इतने अच्छे मुझे नहीं लगते। अच्छा बुरा सीन जब आप विलन की एक्टिंग कर रहे थे, हाँ शायद उससे में से कोई होगा, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा एक्टिवली ओवर एक्टिंग कर रहा था। तो सबिया बेगम को क्यों अरेस्ट किया? सबिया बेगम कभी ना वो एंड पे डिफाइन किया, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा कॉम्पैक्टली खेलना होता है ना, आपने बड़ा लिमिटेड टाइम के अंदर होता है। कैनेडा से, कैनेडा कब आएंगे उनसी, मैं नेक्स्ट ईयर आ रहा हूँ कैनेडा इंशाल्लाह। सो आन की बर्थडे करूँगा कैनेडा में 22 जून को, 23 जून को मेरी भतीजी है उसकी बर्थडे, तो हम साथ में अपनी मिला था। तो सबिया बेगम का वो दिखाया है कि वो एक जो पॉलिटिशियन और इतनी तल्ख मिजाज औरत है ना, वो बेसिकली शी हैज़ बीन डन मैनी क्राइम्स और बड़ा यहाँ पहुँचने तक, तो वो सब एहसास उसको हो रहा था कि, और एक माँ जब अपने बच्चे को खो दे तो इससे बड़ी कोई लॉस होता नहीं किसी माँ के, किसी औरत के। एंड आई पर्सनली थिंक लास्ट एपिसोड मरीना खान स्टोल द शो, दैट्स माई पर्सनल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मरीना जी ने जो लास्ट एपिसोड में परफॉर्म कर दिया ना, दैट वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी नज़र में, शी स्टोल द शो लास्ट एपिसोड, मुझे बहुत मज़ा आया उनका, उनके सीन्स। मैं उनसे जब मिलूंगा तो फिर उनको बताऊंगा इंशाल्लाह। यू डिड वेल इन मुनाफिक, थैंक यू फलक। अच्छा जी, या अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा जी, आप सियालकोट आएंगे? सियालकोट भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आया था एक मतलब सियालकोट किसी की शादी पे, बहुत पहले मैंने वहाँ डांस भी किया था। योर वे ऑफ टॉकिंग इज कूल, थैंक यू थैंक यू, प्यार से जब भी जो भी बोले अच्छा लगता है। फनी सीन कौन सा था? फनी सीन तो मेरे ज्यादा वो जो शुरू में ही ओवर एक्टिंग करते वक्त छेड़छाड़ करता था, तो उसी में कोई फनी भी निकल आता था, तो जाने ना, वो जाने लगती है तो वो कहता है आप चले जाएं यहाँ से, ना जाऊँ तो वो कहती है मैं चली जाती हूँ, ना चाहने को तो इस तरह करके कुछ, इस तरह होता वो फनी, क्वाइट फनी एंड इरिटेटिंग एज वेल। लंदन आ जाएं, लंदन भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। अच्छा हमजा उजाला से शादी हो गई? इतना जी 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 हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, सब कुछ हो गया था, आप इजी हो जाए। अच्छा मुनाफी का ओएसटी सुना आपने? मुनाफी का ओएसटी यार, कभी सोचा था तेरे इश्क में जहाँ से गुजर के दिखाएंगे, तेरा हाथ थाम के हाथ में कड़े वक्त में भी निभाएंगे, था तू सहारा दर्द का और दर्द भी तेरे दिए, रखी है तेरे पास भी एक आस जो मेरे लिए, मन रोए रोए है मेरा, दिल टूट कर है बिखर गया,
तेरा हो भला हो बेवफा, तूने दर्द कैसा है दिया। वैसे याला, थैंक यू नसीम, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू मनु। अच्छा जी, अरुषा से अगर आप मिलना चाह रहे हैं तो आप हम टीवी लगा लें, अभी मिल लें उनसे। एंजल कैरी, नाइस वॉइस, थैंक यू एंजल। आपकी वॉइस कैसी है? आप लोग भी गा के सुनाए मुझे कुछ। यू सिंग गुड यार, बस ऐसे ही। नहीं, आई शुड नॉट बी अ सिंगर। अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट होता अपनी सिंगिंग भी तो अब तक मैं ट्राई कर चुका होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सुरताल नहीं है, बस यानी गुनगुना लेता हूँ। गुनगुनाना कुछ और होता है और गाना कुछ और होता है। सो ना, यू हैव टू बी लाइक, गाना आना चाहिए। गुनगुनाना तो सब गुनगुना सकते हैं ना। आउट क्लास वॉइस इकरा कह रही है, थैंक यू इकरा। अरे इकरा, मैंने शायद तुम्हें कॉल कनेक्ट की है अभी। वाह, कोइंसिडेंस हो गया। आई लव लव फ्रॉम सऊदीया, थैंक यू जी। आई लव सऊदी अरब, मुझे बड़ा प्यार है सऊदी अरब से। योर वॉइस माशाल्लाह, थैंक यू जवाद मरियम, जावेद भाई उसका सलाम के जवाब। अच्छा जी, मैं मेरी वालेकुम सलाम। यू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस यार, बस अल्लाह की देन है। अपने घर कब बुलाएंगे मुनाफिक के फैंस को? अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर लॉकडाउन, क्वारंटीन के बाद मैं फिर इनवाइट करूंगा आप सब, ठीक है? ग्रेट एक्टर शाहिद अब्बास अब्बासी। अच्छा, यू एंड अविशा लुक ब्यूटीफुल टुगेदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस विद दिस ब्यूटीफुल। नो रिप्लाई फ्रॉम मी टुडे। हॉल बुशरा हियर। बुशरा, ये गिले शिकवे के अलावा भी बड़े काम होते हैं जिंदगी में। बड़ी अच्छी तुमने मुझे वीडियो सेंड की हमजा के ऊपर बना के, तो यू आर गुड, यू आर वेरी टैलेंटेड। अल्हम्दुलिल्लाह, लव फ्रॉम सियालकोट, थैंक यू एम नजम। अच्छा जी, कॉल करो लिखा हुआ है, कॉल वॉज नॉट सेंड। मैंने तो अभी अटेंड की है कॉल, अब मुझे नहीं इतनी टेक्निकल चीज़ों का पता, तो लेट्स सी। ये जी जन्नत मलिक को मैंने मैंने कहा चलो बैठे बैठे जन्नत हुआ है। अच्छा कैंसिल हो रही है, आई डोंट नो कैसे हो रही है। अच्छा यार, नॉर्वे ऑस्लो कब आना है? किंजा, मैं तुम्हारी शादी पे आऊँगा, मुझे इन्वाइट करना, कार्ड भेजना, टिकट भी भेज देना साथ, ठीक है? हेलो, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू जी। आप मेरे कमेंट्री करें। अच्छा, आई वांट टू मीट यू मीरपुर। आज जी मैं मीरपुर आऊंगा, जरूर मिलेंगे हम। क्या बात है, आज कॉल क्यों नहीं कनेक्ट हो रही? घूमी घूमी जा रहे हैं और कनेक्ट नहीं हो रही कॉल। ये वाली कुछ एंड पे थी, आज कॉल नहीं कनेक्ट हो रही, पता नहीं क्या मसला हो रहा है। आई डोंट नो बट सम हाउ चलिंग जी। अच्छा, मुझे कॉल कनेक्ट कर ले जैसे। यू आर लुकिंग लाइक मिस्टर बिलाल, यू आर लुकिंग लाइक मी मिस्टर बिलाल। आप इतने खूबसूरत हैं सरे, माशाल्लाह। लव फ्रॉम सरगोदा, क्यूट, थैंक यू जी। लव फ्रॉम भावलपुर, भावलपुर जी, आई एम सातकियन, आई यूज टू गो टू सारे पब्लिक स्कूल। बड़ी यादें हैं मेरी बचपन की, बड़ा रोया हूँ मैं भावलपुर में। हॉस्टल में रहता था ना, तो फिर मैं तारे ज़मीन वाला जो बच्चा था ना, वैसा रहता रहता था। आप क्वेटा आए जी? क्वेटा में आऊँगा इंशाल्लाह, मेरा प्लान था क्वेटा भी जाने का दोस्तों के साथ, लेकिन वो एकदम लॉकडाउन हो गया तो स्टक हो गया। अच्छा जी, लव फ्रॉम पिशावर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। पिशावर भी मैंने आना है इंशाल्लाह, मैं कभी गया नहीं आज तक, जरूर जाऊँगा। लव फ्रॉम लाहौर आयजा खान, थैंक यू थैंक यू। अच्छा यार, आई एम रियली विश, आई विश के मेरी कोई कॉल मिल जाए ना आप लोगों से, पता नहीं क्यों नहीं होगी। अच्छा, हाई क्यूट हमजा, हाई ईमान फातमा क्यूट। लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू जी, थैंक यू माई इंडियन पीपल। लव फ्रॉम गुजरांवाला, थैंक यू इकरा। अच्छा, कुछ सवाल जवाब भी कर सकते हैं हम, रैपिड फायर भी खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं। जी 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 जी, मैं अच्छा माशाल्लाह जी, तैयब गुड। अच्छा तो अरे हाँ, अच्छा बर्थडे जिस चीज़ की भी है जी, इट्स माई बर्थडे वो कह रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे जी, आप बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू।
नाम मिस हो गया मुझसे, मैं नाम लेके कहता हूँ यू आर सो क्यूट, थैंक यू अंजू। क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। फिलहाल आपने मना भी तो बहुत जल्द से यार, हाई कह दो हाँ, ये कॉल क्यों नहीं कनेक्ट हो रही है ना? ये जो व्यू वाला आता है साइड पर, मैं उसको दबा रहा हूँ। मैं आपको एक मिनट कॉल बैक करता हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ, जस्ट लेट मी कॉल यू बैक। आई नो मोमेंटम टूट जाता है, लेकिन वो देखो ना कॉल नहीं अटेंड हो रही। लव फ्रॉम हैदराबाद से, थैंक यू नूरे। वट इज मोर हार्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव वॉज टफ बट फन। तो देखो ना कॉल नहीं अटेंड हो रही, मुझे आ रहा होता ना व्यू वाला, मैं उसको दबा रहा हूँ, नहीं हो रहा। सुहान मुझे टीवी पे देख के क्या कहते हैं यार, सुहान ने ए दिल तू बता बहुत इंजॉय किया था, उसको बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा खुश हो जाता था और बैठ के टिक के देखता था और गाना भी गाता था ए दिल तू बता। मुनाफिक उसको कोई खास इतना पसंद नहीं आया, उसने लिफ्ट नहीं कराई मुझे मुनाफिक। आपकी फातिमा के साथ कोई पिक नहीं है क्यों? यार एवी नहीं है पिक, आई मीन वो एक्चुअली मुझसे काफ़ी लोगों ने बड़ा वो इनबॉक्स में मुझे मैसेजेस किए कि जी द अदर एक्टर्स वी कैन सी देम टुगेदर इन द पिक, और उनकी वो टैगिंग भी एक दूसरे से होती है, आप क्यों नहीं? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, वो तीनों आपस में दोस्त हैं बट नन ऑफ देम इज़ माई फ्रेंड। मेरी उनमें से किसी कोई दोस्ती नहीं है, वी आर जस्ट कुलीग्स। तो सेट पर भी वो अलग, मैं अलग, ऐसा वाला सीन हुआ, लेकिन ये कि दे आर गुड कुलीग्स। हम लोग जब सीन करते थे तो बड़ा अच्छा गपशप लगा के प्यार मोहब्बत से करते थे, अदरवाइज वी आर नॉट फ्रेंड्स। वो आपस में फ्रेंड होंगे और दे शुड बी, बट टू मी दे आर जस्ट माई कोलीग्स। मेरा उनमें से किससे कोई लेना देना, कोई नंबर, कोई कॉन्टैक्ट, कोई इस्लाम का कुछ नहीं है। कई दोस्त बन जाते हैं एक्टर्स, कहीं नहीं बनते, तो यहाँ पे नहीं बने तो हम की करिए, तो इसलिए तस्वीर नहीं है ऐसे कुछ, वो अल्लाह माफ करे, कोई और बात नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, हमारी केमिस्ट्री लोगों को बड़ी पसंद आती है, और अक्षा अजान और फिर हमजा और उजाला भी बड़ा पसंद आया लोगों को। मैं ना आपको कॉल बैक कर रहा हूँ क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू टॉक ऑन फोन, वो हो नहीं रहा, क्या मसला नहीं, मैं तो फिर ट्राई करूँगा अगर हो गया तो। ये देखो ना ये व्यू का आया, ये मैंने, हाँ नहीं, ये हुआ नहीं हो रहा, चलो मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ डोंट माइंड, आई लव यू ऑल।